के एग्रीकल्चर क्लासेस के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री क्लास का पार्ट दो। इसमें हम बताएंगे ठोस, द्रव तथा गैस के अंतर के बारे में। यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर से लगाकर 6 नंबर तक पूछा जाता है, इसीलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सभी छात्र इससे जरूर देखें। चलिए ना देरी करते हुए इन अंतरों पर चर्चा करते हैं। अंतर नंबर एक, ठोस। इसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव, इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे गिलास में रखा हुआ पानी वो गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आयतन और आकार दोनों ग्रहण कर लेते हैं। जैसे गुब्बारे में भरी हीलियम गैस। अंतर नंबर दो, ठोस किसी दिशा में नहीं बहता। ठोस है जो वो किसी दिशा में नहीं बहता और स्थिर रहता है। द्रव, द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जैसे किसी पानी को ढाल से डालने पर वह नीचे की ओर चला जाता है। गैस, गैस प्रत्येक दिशा में बहती है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसीलिए यह प्रत्येक दिशा में बहती है। अंतर नंबर तीन, इसे काटकर टुकड़े किए जाते हैं। ठोस को काटकर टुकड़े किए जाते हैं। जैसे किसी ईंट को काटने पर उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन द्रव को काटा नहीं जा सकता। द्रव जैसे पानी है, पानी को काटा नहीं जा सकता। गैस को किसी भी रूप में या किसी की सहायता से काटा नहीं जा सकता। अंतर नंबर चार, ठोस के कण पास पास होते हैं, इसीलिए यह कंपन ही कर पाते हैं। द्रव के कण कुछ दूरी पर गति करते रहते हैं, इसीलिए द्रव चलता या बहता रहता है। गैस, गैस के कण बहुत बहुत दूर होते हैं, इसीलिए यह तेज गति से चलते हैं। इन सभी के उदाहरण बता रहे हैं। अंतर नंबर चार, ठोस के उदाहरण। ठोस जैसे ईंट, बर्फ, मोम, गंधक आदि सभी ठोस वस्तुएं हैं। और द्रव जैसे पानी, पारा, दूध आदि सभी द्रव हैं। और गैस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ये सभी गैसें हैं। हाइड्रोजन का प्रयोग गुब्बारे में भरने के लिए और एरोप्लेन के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हमने 5 अंतर बताए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।